प्रकाश गावा सर आज के मेहमान है जो आपके सवालों के जवाब देंगे। गावा सर के पास चलते हैं, पहले एक मार्केट पर राय लेते हैं। गावा सर, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है काफी अच्छी, सस्टेनेबल है क्या? बैंक निफ्टी तो करीब 500 पॉइंट ऊपर हो गया। यस यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू। और बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग है, आज शॉर्ट कवरिंग होगी और 2-3 दिन अगर ऊपर चला तो फिर रियल बाइंग आ जाएगी, तो फिर शॉर्ट स्क्वीज होगा। अब शॉर्ट कवरिंग आज के लिए तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही बेहतर है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में अब भी थोड़ा अपू बाकी है, फ्यूचर्स की बात करता हूँ, लेवल्स अब ट्रेड कर रहा है 45,567। मुझे लगता है एक अपू मिलेगा तो शायद वो 45,800 भी जा सकता है, तो अपू ऑन है बैंक निफ्टी में। तो यस, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बैंक निफ्टी में क्या लॉन्ग बनेगा अभी? वो तो अलग ही चाल दिखा रहा है एकदम किसका? बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग ही चार्ट दिखा रहा है, इनफैक्ट यहाँ से एक अपू मिलना चाहिए और भी। ट्रेड कर रहा है 45,570 के आसपास, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ये 45,800 तक जा सकता है, थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है, 850 भी जा सकता है, लेकिन 45,800 पॉसिबल है। ये राउंड फिगर इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा, क्योंकि इंटरनल्स जो है इसके, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें थोड़ी यस गर्माहट है। अब तो शॉर्ट कवरिंग नजर आता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद शायद शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा। स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर लगता है निफ्टी के मुकाबले। सवाल लें, इससे पहले जी एक सवाल, जो आज का जो टॉप स्टॉक कह सकते हैं आप हिंडाल्को, 14% नीचे है, कि नोवेलिस का कैपेक्स $4 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी वजह से स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हो गई, क्या ये कोई खरीदारी का लेवल बनता है आपके हिसाब से? एक्चुअली हिंडाल्को में जो ब्रेकडाउन मिला है, इसको हम कहेंगे गैप डाउन। अब सपोर्ट है 500 का, वहां पर रुक रहा है, क्या यहां पर रुकेगा डिफिकल्ट कहना, क्योंकि जो गैप डाउन मिला है 13% डाउन है, मतलब आपने और मैंने बेचा इसलिए 13% डाउन ही, काफी बड़े प्लेयर्स ने बेचा है इसलिए वो 13% डाउन। तो ये एग्जिट हो रहा है हिंडाल्को से, पॉसिबल है कि लो लेवल देखें, और लो लेवल करीब 450 भी आ सकता है। हिंडाल्को कोई मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं है, ये दिग्गज स्टॉक है, इसमें 13% डाउन बहुत ज्यादा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में 15-20% भी डाउन होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से लो लेवल करीब 450-460 देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है। डालको में 450 का स्तर देखने को मिल सकता है, जो कि वाकई बहुत बड़ा स्टॉक है और इतनी बड़ी गिरावट है, तो ये शायद बड़े हैंड्स इसमें बिकवाली कर रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं दर्शकों की ओर। दीपचंद यादव हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दीपचंद जी बताइए, क्या सवाल है आपका? दीपचंद जी आवाज आ रही हो तो सवाल बताएं सर। हेलो, नहीं शायद दिक्कत है, दोबारा ट्राई करेंगे उनको। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं अभिजीत दत्ता कोलकाता से। अभिजीत जी फोन पे अगर मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। सर मेरे पास गुडको का 215 शेयर है 124 के दाम पे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हुडको गावा सर 183 पे अभी चल रहा है, अभी तो इनके भाव से काफ़ी ऊपर है और करेक्शन के बावजूद बढ़िया बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है हुडको रखना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए, नथिंग टू वरी, बहुत बढ़िया अपू मिला है 80 के आसपास, जो अपू मिला है 220 भी चला गया, अब करेक्टिव मोड पे है और बहुत दौड़ा है इसलिए करेक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं जाएगा ऊपर और भी ऊपर जाएगा, तो लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट बहुत कम है, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग, डोंट वरी। ओके, तो हुटको में ये राय बनती हुई दिख रही है। क्या दीपचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अच्छा अभी दीपचंद जी नहीं जुड़े। राहुल का सवाल लेते हैं, उन्नाव से जुड़ रहे हैं। राहुल बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार कावर सर। मेरे पास 9 महीने से सरांग मिल के शेयर है, 1771 शेयर है, 95 रुपए की बाइंग पर, और हमको इसमें 3 से 6 महीने के लिए व्यू बताएं, इसमें क्या टारगेट होंगे? 3 से 6 महीने के लिए 95 लिया तो सही था यार, अभी तो बढ़ गया काफी। गावा सर 3 से 6 महीने पराग में और मिल्क हो सकता है क्या? वेल, अपमू में तो है, करेक्शन आया था, खत्म हो गया, न्यू हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 260 के आसपास है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, क्योंकि जब मैं चार्ट देखता हूँ तो 75 से जो मूव मिला है 260 काफी हद तक अच्छा लगता है, ये फर्स्ट टाइम करेक्शन आया था वो भी खत्म हो गया, आई थिंक अपमू ऑन है। हाँ, 225 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वो संभल जाता है तो और हायर जोन देखेंगे पराग मिल्स। तो 225 स्टॉप लॉस बना दें? बिल्कुल राहुल, 225 पे स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए, अब मूव में है स्टॉक के अभी। अगला सवाल दीपचंद जी जुड़ गए लग रहा। दीपचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, बताओ भाई क्या सवाल है। सर इरकॉन सर, मैंने 1600 शेयर है सर हमारे पास, 236 मैंने लिया है, तो क्या राय है सर, अभी स्टेबल होगा सर या और यहाँ से नीचे जाएगा? घबराहट हो रही क्या? हाँ सर, घबराहट हो रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगी सर। कल का दिन कैसा रहा? दिन भर स्क्रीन देख रहे थे, धकधकी बड़ी हुई थी। कल का दिन तो सर काफी डाउन रहा, लेकिन आज कुछ करेक्शन में है सर। हाँ, कल का दिन तो खैर मुश्किल भरा रहा। गावा सर, इरकॉन 236 पर इन्होंने लिया है और 210 चल रहा है इस समय। मैं आपको इनको पहले मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ इनको। इन्होंने बोला कल का दिन डाउन रहा, आज करेक्शन है। अगर ये सही है, आज करेक्शन है, मतलब फिर नीचे आएगा। इनको कहना चाहिए कल करेक्शन था, मतलब आज ऊपर जाएगा। दोनों में फर्क है। अब स्टार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, कई चार हफ्ते से गिरावट देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ से थोड़ी और भी गिरावट आए, लेकिन ये सपोर्ट जोन के आसपास है, 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता वो ब्रीच करेगा, वहां पर संभलने की जगह अच्छी है, तो मेरे ख्याल से कॉल कीजिए, घबराइए मत। तो सही कहीं पे नीचे? हाँ जी, इसमें कोई स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या? लगाइए 192 का आज का लो। 192 का आज का लो, लेकिन 175-180 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। दीपचंद जी तैयार हैं? तैयार है सर, ध्यान रखिएगा जो लेवल। ऑलरेडी सर मैंने 190 स्टॉप लॉस लगा रखा है ना। बिल्कुल सही किया। यस यस सर। हाँ, जब ये जो इस तरह के स्टॉक होते हैं ना, इसमें बड़े मूव आते हैं एक साथ, तो स्टॉप लॉस जैसे गाबा जी ने बताया 192 रह गए आज का लो जो है वहाँ पे, आज थोड़ा सा रखिए इसको, देखते हैं कि आज दिन में रिकवरी सस्टेन करती है कि नहीं करती है, ये इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल और लेते हैं एक, लेकिन उससे पहले गावा जी से एक सवाल और हम यहाँ पे ले लेते हैं। जो रिकवरी देखने को मिली है, तेज़ी राधर कहें, रिकवरी नहीं, सुबह से ही GMR एयरपोर्ट आज 4% ऊपर है, ये MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हुआ है, तो फंड आने की संभावना है और स्टॉक 4% ऊपर है। गाबा सर, इस पे क्या राय बनती है? एक्चुअली हमने पिछले 2-3 बार हमने बात की है स्टॉक की GMR इंफ्रा के लिए, और जो ब्रेकआउट मिला है करीब 70 के आसपास, उसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट था वो करीब 100 था। ये अभी ट्रेड करा है 89 के आसपास, मुझे लगता 100 तक कुछ जाना चाहिए। स्ट्रक्चरली बढ़िया है स्टॉक, अपने को मिलना चाहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां रुकेगा जाकर, जो ऑल टाइम हाई करीब 120 का भी है उसकी तरफ भी जा सकता है, लेकिन जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है लोअर लेवल्स में करीब 20 के आसपास, बहुत बढ़िया था। उसके बाद वो टारगेट था 70 के बाद टारगेट था 100, तो मेरे ख्याल से लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 100 का है। किसी को लेना है तो ले सकते हैं, 80 का स्टॉप लगाइए अब भी, तो 10 रुपीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 है, लेकिन रिवॉर्ड मिलने का ज्यादा चांस है, रिस्क कम है, तो ये स्टिल भी एक बेटर ट्रेड बनता है। के आसपास ट्रेड कर रहा है, 80 का स्टॉप लॉस, 100 पहला साइकोलॉजिकल टेक्निकल टारगेट, उसके बाद 120 भी अपने हाई की तरफ जा सकता है, ज्यादा टिल्टेड है ये रिवार्ड की तरफ। अगला सवाल है योगेश चोपड़ा का गुरुग्राम से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास में अशोक लीलैंड है, 190 शेयर से 181 के रेट में है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा थोड़ा। ओके भाई, भाव दिखाइए जरा इस अशोक लीलैंड का, 181.08 171 पे है। गाबा सर, ये बहुत ऐसा स्टॉक है ना जिसने इस जोन में, इस रेंज में बहुत लंबा वक्त बिताया है, 160-165 से 180 के बीच में बहुत दिन से गुजर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता सर? ये अब जाएगा ऊपर। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, डिलीवरी बेस, इसमें मैं फ्यूचर्स नहीं करता, ऑप्शन नहीं करता, मैंने कभी इसके आसपास ही लिया है और मैं इसमें डरता नहीं है। अशोक लीलैंड जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फिर एक अप मूव मिलता है, अब करेक्टिव मोड पर है, तो घबराना क्या, फिर यहां से जब करेक्शन खत्म हो जाएगा फिर एक अप मूव मिलेगा। मेरा जो टेक्निकल टारगेट है निजी, मैंने 225 का रखा हुआ, 225 के आसपास मैं शायद प्रॉफिट बुक करूंगा, ये मेरा आपका ये प्लान है अशोक लीलैंड का। तो मैं होल्ड किया है काफी समय से, होल्ड भी कर रहा हूं, नीचे ऊपर होता रहता है, होने दो, स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं, और जब तक स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा है तब तक आई बी होल्डिंग इट, तो मेरा ये निजी का ही है, बाकी आप अपना कॉल ले सकते हैं, मुझे पसंद है अशोक लीलैंड। ओके, गावा जी का डिस्क्लोजर है, उनको पसंद भी है और उनका टारगेट है 225 के आसपास वो प्रॉफिट बुक करेंगे।
तो योगेश जी इस पर आप अपनी राय बना लीजिए, काबा जी ने अपना डिस्क्लोजर भी दे दिया। और भी कोई सवाल है आपका क्या? जी NLC इंडिया है मेरे पास में, 266 के रेट में है, मेरे पास 70 शेयर्स है। काबा सर NLC इंडिया भी इनके पास है, उस पर क्या करेंगे? NLC इंडिया मैं चार्ट टिका लेता हूँ, NLC इंडिया का, NLC इंडिया, यस मिल गया। अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, बहुत अच्छी दौड़ा था फ्रॉम लेवल्स ऑफ 50, अब मुंह मिला, थोड़ा करेक्टिव मोड है, हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। अगर लो लेवल आएंगे 160 तक तो पॉसिबल है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो करेक्शन में मुझे डर नहीं लगता, तो कंटिन्यू होल्डिंग है NLC इंडिया। NLC भी होल्ड करिए, कंटिन्यू करिए। अगला सवाल प्रेम सिंह का है, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम सिंह जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। जी सर बताइए। जी सर मेरे पास अडानी ग्रीन एनर्जी का सर 95 शेयर का है सर, 1216 रुपए प्राइस है सर उनकी, तो उनको होल्ड करना है फिर सेल करना है सर? 1216 मिली, 1800 हो गया, फायदा हो रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम तक है फायदा सर, तो अब थोड़ा और होल्ड किया जाए फिर सर सेल कर दिया जाए। कहाँ कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं? अब सर प्रॉफिट का तो सर थोड़ा सा ये कि जो मिला वही ठीक है, हालांकि अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, बट थोड़ा सर आप गाइड कीजिए। कितने समय पहले लिया था ये, कब लिया था, कितने समय हो गया आपको? सर लगभग सर मेरे को 8 महीने के आसपास हो गए मेरे ख्याल से। 8 महीने में गावा सर 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1200 वाले में 600 रुपये लगभग, मतलब 40-45% का प्रॉफिट है 8 महीने में। क्या करें अभी, और रुकें और पैसा मिलेगा इसमें? देखिए दो बातें, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अपसाइड अब भी ऑन, वन नंबर टू, और 2000 के आसपास लौटा है, 2000 में नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आती है और कुछ नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही इसलिए वहां पर रुक रहा है, स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं, साइडवेज जोन पर है। जब ये 2000 फिर पार कर लेगा तो ये फिर अच्छा मुंह आएगा। अब इन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी किया है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, वो जरूरी है, इनका धर्म बनता है। उसके लिए आपको चाहिए तो मैं एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ, होना चाहिए 1650 का। अगर 1650 ब्रीच हो रहा है तो अपना पैसा घर पे ले जाइए, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत कम है, तो कम से कम कुछ तो लॉक इन हो, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्ड होना चाहिए। और एक बार 1900 पार कर लेगा तो लगता है 2000 भी पार कर लेगा, 1900 के ऊपर जब होता है 2000 एक वहां पर थोड़ा अटक सकता है, 2000 पार कर लेगा फिर हायर होल्ड देखेंगे। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करने लायक है, लेकिन अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो 1800 पे ट्रेड कर रहा है प्रेम सिंह जी, 2000 के आसपास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी शुरू हो जाती है, तो आप 1650 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, उससे नीचे जा बेच दीजिएगा, प्रॉफिट तब भी आपका रहेगा, और नहीं तो राइड करिए इसको। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहास पुणे से। सुहास जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार, मेरे पास सुला वाइनयार्ड के 25 शेयर्स है एट 627, मैं 5 साल होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और ऐड करना है तो किस लेवल पे ऐड करूँ, और ये गिरेगा या मतलब एट करंट लेवल शुड आई बाय? सुला को ही क्यों ऐड करना है, इतना प्यार क्यों है सुला से? ये रिसेंटली लिस्टेड है और एक्चुअली मेरे पास ऑलमोस्ट हर सेक्टर्स के शेयर है, और इन ब्रेवरीज, इन अल्कोहलिक एंड ब्रेवरीज मेरे पास नहीं थे, तो रिसेंटली मैंने ये ऐड किया। ओके गावा सर, हर सेक्टर के शेयर इनके पास हैं, इस सेक्टर से इन्होंने सुला को चुना है, 627 पे इन्होंने खरीदा है, 603 पे चल रहा है, और भी खरीदना चाहते हैं क्या, इस लेवल में खरीदें, गिरे तो खरीदें? मुझे लगता, मैंने सुना कि आपने उनसे पूछा सुला से इतना प्यार क्यों है, क्यों नहीं होगा, सुला से प्यार तो होना चाहिए। वो उन्होंने बताया नहीं, छुपा गए, उन्होंने कहा कि मैं तो हर सेक्टर के लिए, इसलिए इसको भी ले लिया। एनीवे मुझे लगता है इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर, इनको ऐड करना है, अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट बढ़िया है, लेकिन करेक्शन के भी ऐड करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन सोला का है वो 500 के आसपास है, 500-520 के आसपास है, अगर वहां पर आता है तो ऐड कीजिएगा, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। तो जब सर पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हुआ है, कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर अब एक्सपेंशन होगा, जो कॉन्ट्रेक्शन पे ऐड कीजिएगा और कंटिन्यू होल्डिंग, एक बढ़िया कंपनी है, होल्ड करना चाहिए सोला के आसपास, ऐड करिएगा। सुहास जी सुन लिया आपने, 520 के आसपास ऐड करना है आपको, अगर करना है तो। यस, और भी कोई सवाल है? KPIT पे, KPIT 770 पर मेरे पास 10 शेयर्स है, और ऐड करना चाहता हूँ, एट करंट लेवल शुड आई ऐड और वेट? 770 मिलिया गावा सर, KPIT टेक में तो छप्पड़ फाड़ मुनाफा हो रहा है इनको, और ले लें क्या?
थोड़ा आज गिर सकता है, ट्रेड कर रहा है 1600 के आसपास केपीआईटी, इन्होंने 770 पे लिया 10 शेयर, लेकिन 1400 का एक स्टॉप लगाई, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो ब्रिज तो प्रॉफिट कर ले जाएगी, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग है केपीआईटी। जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ा गिरावट आ सकती है, लेकिन 1400 ब्रीच नहीं होगा, तो इसलिए 1400 का स्टॉप लगा है कि कंटिन्यू होल्डिंग है। 1400 के स्टॉप के साथ होल्ड करिए, बहुत ही जबरदस्त इसने रैली दिखाई है, इसने और इसी का जो जोड़ीदार भाई स्टॉक टाटा एलेक्सी, अब एक और आ गया टाटा टेक्नोलॉजीज भी, एनीवे खैर इसको होल्ड करिएगा। अगला सवाल है कुंदन सिन्हा का रांची से। कुंदन जी नमस्कार, कुंदन जी आवाज आ रही है? हेलो कुंदन जी, को दिक्कत आ रही है भाई, कनेक्ट नहीं हो रहा, दोबारा ट्राई करिए कुंदन जी को जोड़ने की, और कुंदन जी से हम लोग बात करें। गाबा सर एक स्टॉक है यूपीएल, आज 3% ऊपर है, 475 ट्रेड कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई है इसके नतीजों के बाद से, लगातार ये गिरा है, आज जो ये ऊपर है 2-3%, क्या ये शॉर्ट का मौका है? नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट का मौका नहीं है, क्योंकि यूपीएल का जो लार्जर टर्म टर्म स्ट्रक्चर के देखें तो 478 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, अब वहीं पर ट्रेड कर रहा है 473, उसके नीचे आया फिर वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो लगता है कि शायद यहां पर संभल जाए, शायद अगर ये टूटता है तो 423 भी पॉसिबल है, फिर वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये अपू मिलना चाहिए, अगर 460 आज संभल जाता है यूपीएल में फिर एक अपू मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद भी अगर नहीं गिरता है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बिकॉज रिजल्ट हैज बीन डिस्काउंटेड इन दिस, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट करना है तो जब 460 तोड़े तो फिर शॉर्ट कीजिए, फिर 425 के आसपास करिए वापस, लेकिन फिलहाल नहीं करना चाहिए शॉर्ट, कंटिन्यू होल्डिंग यूपीएल। शॉर्ट का मौका निकल गया, जब 460 है तब इस पे शॉर्ट बनेगा। कुंदन जी जुड़ गए रांची से, कुंदन जी बताइए। हाँ सर नमस्कार, ये मेरे पास IRFC का 800 शेयर है 157 के रेट से, और रेल विकास निगम का 200 शेयर है 340 के रेट से, और NHPC का 500 शेयर है 91 के रेट से, तो हमें क्या करना चाहिए सर? अभी तो हम तीनों में लॉस में चल रहे हैं, एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? यार कुंदन जी आपने जो तीनों शेयर लिए ना कल, तो इन तीनों का दिन बड़ा भारी रहा है जी, बहुत दिक्कत वाला दिन रहा कल, लेकिन NHPC आपने लिया है 91 पे, 91 अभी 86 चल रहा है, RBNL दिखाओ भाई, RBNL 340। अरे भाई साहब क्या क्या कर रहे थे भैया कुंदन बाबू, 340 पर RBNL लिया आपने? ये उस समय बढ़ रहे थे तो हमें लगा कि बहुत ऊपर तक जाएंगे, तो ये मैंने ले लिया, और जब लिया उसके नेक्स्ट डे वो गिरना शुरू हो गया, वो इंतजार कर रहा था कि जब कुंदन जी ले तो हम चालू को जाएं, फिर आपने जैसे लिया उधर से 100 रुपए निकल गए। IRFC 157 पे लिया है जी, हाँ 857 का 800 है मेरे पास। बताओ गावा सर, पहले RBNL बताइए, इन्होंने जहाँ से लिया वहीं से गिरा, वो इनका इंतजार ही कर रहा था, क्या किया जाए? कल का दिन मुझे कम से कम 20 फोन आए हैं, और सब PSU स्टॉक्स के बारे में, लोग घबराए हुए थे का वाकई में, आज जो सवाल पूछे ज्यादा करके उसी पे, RBNL में एक अच्छा मूव मिल रहा है, शायद यहाँ से एक समझ जाए, 230 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है मुझे, यहाँ से अगर आपको मिलता है तो फिर 300 भी जाएगा, तो घबराए हुए हैं, कभी 4-5 हफ्ते से RBNL नीचे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा समझ जाना चाहिए, यहाँ से समझने की जगह अच्छी है, समझ जाना चाहिए, लेट्स वॉक, समझ जाता है। और NHPC, NHPC ये मेरे ख्याल से जो ट्रेड कर रहा है करीब 86 के आसपास है, 75 के आसपास, 72-75 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जगह तो अच्छी है बाउंस करने की, अगर संभलने की, मेरे ख्याल से यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है, और शायद संभल भी जाए यहाँ पर, तो कंटिन्यू होल्डिंग। ओके, और एक IRFC आखिरी सवाल इनका जो था, कौन सा IRFC? ये स्टॉक IRFC भी 148 पे ट्रेड कर रहा है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 100-110-120 का है, और उसके पहले ये सपोर्ट ले लिया, तो आज का जो मूव है बाहर तो बढ़िया है, ये शॉर्ट कवरिंग वाक है, जो जिसने भी 5-7 दिनों से शॉर्ट किया हो वो शायद शॉर्ट कवरिंग अप, या जिसने बेचा हो वो खरीद रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर, शायद ये लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हो रहा है। ओके PSU बैंक्स का तो जी कुंदन भाई ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे कोई स्टॉक लेना तो एक बार उसका चार्ट देख लीजिए कि किस तरह की रैली उसमें बनी, से 340 पे जाके आपने जब खरीदा RBNL तो एकदम पीक था उसका, फिर वहीं से घूम गया। खैर कोई नहीं, अभी जो शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी आ रही है
इससे काफ़ी हद तक आपको रियायत मिलेगी, लेकिन आगे से ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इसमें प्लीज़। और स्टॉप लॉस तो आपके लिए धर्म है, उसको तो भूलिएगा मत। रावत सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेटीएम मामले पर फैसले की समीक्षा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि पेटीएम मामले को लेकर जल्द ही FAQ जारी करेंगे। नो, एट द मोमेंट लेट मी बी से वेरी क्लियर, देयर इज नो रिव्यू ऑफ द डिसीजन। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द डिसीजन, लेट मी वेरी क्लियरली से देयर इज नो रिव्यू ऑफ द डिसीजन। FAQ व्हिच वी आर प्रपोजिंग टू इश्यू इज targeting the inconvenience or targeting the issues faced by the customers and the the customers and the depositors, like all the fast tag holders or the wallet users or the account holders. Customer interest mein jo issues hai usko hum abhi FAQ mein deal kar rahe hain. FAQ mein aap review expect mat kariye, FAQ mein jo customer point of view se jo issues hai usko hum address kar rahe hain. तो फैसले पे कोई रिव्यू नहीं है, केवल FAQ जारी होगा, जो दर्शकों के मन में, लोगों के मन में, कंज्यूमर के मन में सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। स्टॉक 7% रात नीचे है, मैक्वारी ने भी अपनी डाउनग्रेड रिपोर्ट दी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा जी के साथ।